हेलो नमस्ते आदम कंपनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। मैं भी हमेशा की तरह एकदम झकास हूँ। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में। ये नए चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। इंस्पेक्शन सीखेंगे, सर्च सीखेंगे, फीचर सीखेंगे, अर्थ सीखेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल क्यों आया हूँ, मैं फ़िलहाल इतना बताने आया हूँ, इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ना मई 22 के लिए ना नवंबर 22 के लिए। तो जो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, सेम लेक्चर मैं अब प्ले कर रहा हूँ। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिट बैक, रिलैक्स, सीट की बेटी बांध दीजिए और आराम कीजिए। और अगर आपने ये लेक्चर मेरे प्रीवियस सीरीज में देख लिया तो दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये लेक्चर ऑलरेडी सेम लेक्चर रिपीट हो रहा है। जीरो जीरो चेंज है, जीरो चेंज। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो वीडियो में। आप फिलहाल जिसका बाकी हो तो देखो, बाय। कर रहे हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। अच्छा, अब ये चैप्टर वो चैप्टर है जहाँ पे जनरली जहाँ तक बच्चे जीएसटी पढ़ते पढ़ते पहुँचते ही नहीं है, आमतौर पे नहीं पहुँचते। अब नहीं पहुँचते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहुँचना नहीं चाहते, रीज़न ये है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है। तो आज हम लोग, अब एनीवे मुझे अच्छे से पता है एग्ज़ाम के दिन जो 1.5 दिन मिलते हैं, उस 1.5 दिन में बच्चा इस चैप्टर तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाता, चैप्टर खोल नहीं पाता। तो क्या करना है आज, दिल कान दिमाग सब खोल के अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। और बाकी एग्जाम टाइम में सिर्फ एक हल्का सा ग्लांस कर लेंगे तो काम निकल जाएगा, नहीं भी किया तो काम निकल जाएगा, अगर अभी सीखा हुआ है कि मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो फिल्म की स्टोरी की तरह बन जाएगा, और फिल्म की स्टोरी हम नहीं भूलते, एग्ज़ाम तक तो कम से कम नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इंस्पेक्शन। सबसे पहली बात करते हैं, अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन, क्या समझते हैं इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं चैप्टर का मतलब, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ इंस्पेक्शन वर्ड जी क्या है तुम्हारे हिसाब से? चेक करना, वेरीफाई करना। तो सर्च मतलब क्या? सॉर्ट ऑफ। देखो ध्यान से, इंस्पेक्शन इज नथिंग बट कह सकते हैं हल्का फुल्का, आप उसको इंक्वायरी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इंक्वायरी करना या जाके देखना क्या है क्या नहीं। सर्च कभी भी एक ठोस रीज़न के साथ किया जाता है कि मुझे देखना है वहाँ पे कितना रेवेन्यू का लॉस है। इंस्पेक्शन में तो इट कैन बी सिंपल इंक्वायरी, बट सर्च के अंदर यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वैलिड प्रूफ कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है जिससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को, एंड इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। सीजर मतलब क्या है? जहाँ पे हमको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ये हमारे ही झांसे में रहे तो ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम सीज कर सकते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, एज़ यूजुअल हम सीधा चलने वाले इस पर्टिकुलर सेशंस के लिए हमारे रिकैप्चुलेट वाले मॉडल के ऊपर, जहाँ पे वी हैव समरी। हालांकि कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो समरी में कवर नहीं है, जो उसके लिए हम लोग ऊपर जाके प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे नोट्स के अंदर से। ओके, हैव अ लुक। ये समरी है आपके इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर तीनों टॉपिक के ऊपर, यानी कि अरेस्ट हम ऊपर से अलग से पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। अगेन आई रिपीट, कौन है प्रॉपर ऑफिसर, बट कौन सा प्रॉपर ऑफिसर? देखो जीएसटी में बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनका कॉमन नाम नेम क्या दे दिया गया, प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर के नीचे का ना हो, ऐसा ऑफिसर के बाद ही एक ताकत है। क्या ताकत है? पावर टू समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस इज नेसेसरी टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन एनी इंक्वायरी। किसी भी इंक्वायरी के समय उनके पास पावर है कि वह समन्स भी इशू कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है, क्या यहाँ पे ऐसा बोला है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सेबल पर्सन? नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, एनी पर्सन, मतलब वो तुम पे और मुझ पे भी समन्स भेज सकते हैं। बाई डिफॉल्ट एक लेमैन के लैंग्वेज में यही समझ में आता है, ठीक है, किसी पे भी समन्स भेज सकते हैं ऑफकोर्स। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाले जो बंदे हैं या जो लॉ मेकर्स हैं, उनके नज़रिया क्या था इस पॉइंट के ऊपर कि कहीं ना कहीं हो सकता कोई बंदा ऐसा हो जो चोरी करने का ट्राई कर रहा हो, जो रजिस्टर हुआ ही नहीं हो। तो अगर यहाँ पे लिख दिया होता टैक्सेबल पर्सन तो डिपार्टमेंट के हाथ बन जाते, तो उन्होंने एनी पर्सन लिख दिया। बाई डिफॉल्ट होता जनरली यही है, जो कनेक्टेड बंदा होता है इसी फील्ड का
चोर होता है जो जीएसटी वीएसटी का, उसी को पकड़ा जाता है। अच्छा, ये ऑफिसर क्या कर सकते हैं, विल रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजंस टू बिलीव दैट। ठीक है, अब उसके पास जो भी टिप आया, कहीं से एविडेंस आया, डॉक्यूमेंट आया, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा रीजंस किस चीज़ के, कि एक टैक्सेबल पर्सन है, उसने सप्रेस किया यानी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड सर्विस और बोथ, कोई ट्रांजेक्शन छुपाने का ट्राई किया है, या फिर कोई टैक्सेबल पर्सन ऐसा है जिसने ITC क्लेम किया है जितना कर सकता था उससे ज़्यादा, या फिर कोई एक ऐसा टैक्सेबल पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंट किया है कोई भी एक्ट का रूल्स या कोई प्रोविजन इसी एक्ट का, या फिर किसी पर्सन ने हैज़ कैप्ट गुड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू कॉज इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, उसने इस तरह के गुड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं कि वो टैक्स की चोरी कर सके। इन शॉपिंग में बोलते हैं ना, हम जुगाड़ कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को घुमा देंगे, बुक्स में एंट्री जमा देंगे, तो ये सारे पॉइंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इवेजन ऑफ टैक्स बाय द पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, वेयर हाउस और गोडाउन, गोडाउन ऑपरेटर ओनर, ऑपरेटर और ओनर। तो कहीं भी ऐसा दिख रहा है कोई बंदा टैक्स की चोरी करने का ट्राई कर रहा है, भले ही वो किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो या किसी वेयरहाउस में कुछ हो या ऑपरेटर वगैरह हो, किसी भी माध्यम से चोरी की तैयारी की जा रही है, तो ऑफिसर के पास पावर है कि समन्स कर सकते हैं। गुड्स डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स एक्सेट्रा आर सीक्रेटेड एंड यूजफुल टू एनी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, जो भी गुड्स डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लिए जाते हैं वो सीक्रेट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है पब्लिक कर दिया कि देखो हमने इसका ये किया वो किया, क्योंकि हो सकता है आगे जाके मालूम पड़े कि वो तो बेकसूर था। और हमारे इंडियन जुडिशरी में एक लाइन बोली जाती है बहुत पहले से, हमारा हमेशा से ये मानना होता है कि 100 मुजरिम छूट जाए तो चलेगा, मगर एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये जो ऊपर रीजंस रिकॉर्ड करेगा कोई भी ऑफिसर, उसके बेसिस पे वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा, तो वहाँ पे हम बात देख रहे हैं उसके पास पावर है, क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा प्लेसेस का ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एनी पर्सन जहाँ उसको शक होगा। जैसे अपने लास्ट में बात के एग्जांपल के अंदर क्या बात किया था, याद है, वो ढाबे पे या फास्ट फूड सेंटर पे डिपार्टमेंट चले गए थे कुछ उस तरह का, तो इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन से क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे करेंगे इंस्पेक्शन, बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वहाँ जाके क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ उनको जो सही लगे वो करवा सकते हैं, बस उनको उनके पास ठोस रीज़न होना चाहिए, कुछ एविडेंसेस होने चाहिए जिससे ये प्रूफ होता हो कि हाँ चोरी हुई है यहाँ पे टैक्स की और डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का लॉस हुआ है। अच्छा, आगे देखो, ऑन मेकिंग डिमांड ऑथराइज बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब देखो, जैसे ये सब इनका जो तामड़ झामड़ पूरा होता है, इंक्वायरीज वगैरह पूरी होती है, उसके बाद क्या होगा, या तो आप बेकसूर साबित होंगे या आप पे कोई चार्ज लगा दिया जाएगा। अगर कोई चार्ज लगाया जाएगा तो क्या होगा, ऑफिसर क्या करेगा, एक डिमांड लेटर बना के आपको दे देगा, और आपकी जिम्मेवारी क्या है कि विद इन 15 डेज ऑफ द डिमांड और एनी फर्दर पीरियड अलाउड, जो भी अलाउड करेगा ऑफिसर, आपका लाइबिलिटी है कि आप प्रोड्यूस करें डॉक्यूमेंट या पर्सन इन चार्ज। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको ले गया सीधा फाइनल ऑर्डर की तरफ, फाइनल ऑर्डर तो कहानी बहुत दूर की है, पहले क्या करेगा, जब उनको जो भी फील होगा उसके हिसाब से आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि हमें लग रहा है कि आपने ये ट्रांजेक्शन जो किया है इसमें आपने कैश में 50 करोड़ का सेल किया है, ये सब हमको दिख रहा है कि ये सब कैश के हो सकते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट दो एविडेंस करने के लिए कि ऐसा नहीं है। तो ये आपसे जो भी मांगते हैं इंश्योरेंस कब से देना आपको, ये सब कुछ आपको 15 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को दे देना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, कहाँ पे पावर है, एक तो आपके वो बिजनेस प्रीमाइसेस में जा सकते हैं यानी कि आपके ऑफिस या फैक्ट्री जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे आपके गुड्स मूवमेंट हो रहे हैं ना, किसी व्हीकल में गुड्स मूवमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे भी किसी भी व्हीकल को रोक सकते हैं, यही पार्ट हमने ईवे बिल में भी सीखा हुआ है। अच्छा, रोकेंगे तो किसको रोकेंगे, क्या ओनर चला रहा है गाड़ी वहाँ पे, नहीं, द व्हीकल इज़ रन बाय पर्सन इन चार्ज द ड्राइवर,
वो ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या है कि वो कैरी करे ऐसा डॉक्यूमेंट कन्वेंस के साथ में, जो अपन लास्ट टाइम बात कर चुके ऑलरेडी, उसके पास में इनवॉइस होना चाहिए या डिलीवरी चालान होना चाहिए, साथ में ई वे बिल होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। ऑन इंटरसेप्टेड बाय द ऑफिसर, ये बी वाई बाय नहीं है, बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जैसे ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, अगेन लाइबिलिटी क्या है पर्सन इंचार्ज की, कि वो जो डॉक्यूमेंट वो ऑफिसर मांग रहा है वो देवे। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे बीच में ऑफिसर ने रोक दिया और ऑफिसर ने रोक के मेरे को बोला अच्छा तेरे पास क्या है, मैंने कहा तुझसे मतलब, उसने बोला मैं GST ऑफिसर हूँ, ठीक है होगा तेरे घर पे। अब उनको तो कितना ही समझेगा है ना, वो पैग लगाते हैं गाड़ी चलाते हैं वो लोग। अब ऑफिसर ने फिर बोला ला मुझे इनवॉइस दिखा, ई वे बिल दिखा, उसके पास सब था, बोला नहीं दिखाऊंगा जा जो करना कर ले। चलता है कैसा? नहीं चलता है। और कल को वो बंदा ऐसा ना बोल देवे कि नहीं मैं तो गुड्स के मालिक हूँ नहीं, मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो लॉ मेकर से लिख दिया पहले से कि जो इंचार्ज होगा उसको देना पड़ेगा। अब वो इंचार्ज कोई भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये तो था गुड्स को रास्ते में पकड़ना या बिजनेस प्लेस में जाके पता लगाना दया गड़बड़ क्या है। नेक्स्ट क्या है, आप सर्च सीज या कन्फिसिकेट कर सकते हो गुड्स डॉक्यूमेंट्स या बुक्स और थिंग्स। अब ये क्या है, ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। इस प्रोसेस में होता है क्या, या तो आप ऑफिस गए थे तो आपने बहुत कुछ देखा है, डॉक्यूमेंट मांगा, लेकिन आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट जो आपने मांगा है उसके साथ साथ है ना, ये जो चीज़ें यहाँ पड़ी है ना, ये बंदा इसको हटा सकता है, यहाँ वहाँ घुमा सकता है। तो आपने सर्च करते करते कुछ सीज कर लिया, कन्फिसिकेट कर लिया, और अब आपको देखना है ये सर्च चीज़ें या कॉन्फिसिकेट करना मतलब क्या है, जब्त करना उस चीज़ को, सीज़ करना, ये प्रैक्टिकेबल है या प्रैक्टिकेबल नहीं है। सर प्रैक्टिकेबल नहीं है का मतलब क्या, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर उठा के लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जब GST ऑफिसर्स वाले वहाँ पर गए ना, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी इनकम टैक्स का रेट चल रहा है। अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं लेके जाऊँगा, GST वाला बोलते हैं मेरे पास राइट है मैं लेके जाऊंगा, झगड़ा हो जाएगा ये तो ना। तो इसके लिए क्या बोला, आप चेक करो आप जो लेना चाह रहे हो, जब्त करना चाह रहे हो, प्रैक्टिकेबल है भी कि नहीं। अगर तो वो प्रैक्टिकेबल है तो आप चेक करो क्या वो ज़रूरी है। देखो दो अलग अलग बातें हैं, एक तो है कि मैं ये कर सकता हूँ और एक है करना ज़रूरी है। तो एक तो है कि मैं कर सकता हूँ, दूसरा क्या वो ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड फॉर द केस, अगर हाँ तो ये ऑफिसर क्या करेगा, उनको रिटेन करेगा, उन पर्टिकुलर जो भी चीज़ें उनको चाहिए उसको रिटेन करेगा, किस पर्पज़ के लिए, किसी भी इंक्वायरी या प्रोसीडिंग पर्पज़ के लिए एक्ट के अंदर। देखो यहाँ पे जब्त करके वो खा नहीं जाएगा, वो जब्त करके रखेगा ऑन इस बिहाफ की एक बार कुछ इंक्वायरीज चल रही, ख़त्म होने के बाद आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे, अगर प्रैक्टिकेबल है लेकिन हमको उन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है हमारा काम करने के लिए या इंक्वायरी पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अगर मैंने फिर भी जब्त कर लिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर दूँ। भाई जब मेरे को उसकी नीड ही नहीं है, या सपोज को लिया और काम तुरंत ख़त्म हो गया, तो क्यों रखूँ मेरे ऑफिस में, तो मैं वापस दे दूँगा जिसके डॉक्यूमेंट से उसको। वापस बात करते हैं फर्स्ट केस की, जहाँ पर ज़रूरत थी और मैंने रिटेन कर लिया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एग्जाम्पल लेके रख ली, मैनर टू रिलीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या होता है ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, मैंने उसके गुड्स भी जब्त कर लिए। अब देखो यहाँ पर वापस से दो बातें हैं, जब मैं कह रहा हूँ गुड्स जब्त कर लिए, अगर कोई नॉर्मल से गुड्स हैं, थोड़े बहुत गुड्स हैं, तो शायद जब्त करना आसान है। हो सकता है एग्जांपल समझो वो गुड्स में सोना हो, अब 4-5 किलो सोना वेट में लिफ्ट करना बहुत आसान है, ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है, तो हम जब्त करके अपने ऑफिस ला सकते हैं ऑफिसर। लेकिन सपोज करो वहाँ पे सोना नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा भंगार का दुकान है, स्क्रैप का बिजनेस है उसका, क्या ये डिपार्टमेंट के लिए सच में प्रैक्टिकेबल है कि वो पूरा का पूरा स्क्रैप 500 टन का स्क्रैप उठा के अपने ऑफिस ले जाए? पॉसिबल। तो वहाँ पे हम देखते हैं, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो समझेंगे आगे क्या करना है, बट फिलहाल हम चल रहे हैं कहाँ पे, प्रैक्टिकेबल है तो क्या, प्रैक्टिकेबल है और मैंने जब्त भी किया, तब जब्त तो हो गया, अब वापस कैसे मिलेगा, तो वापस कैसे मिलेगा देखो उसकी कहानी। वहाँ पे दो तरीके हैं देने के, या तो प्रोविजनल बेसिस पे आपको वापस दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल समझो वो मेरे सेल्स के परचेज के बिल ले गए,
अचानक से 10 दिन बाद में रिटर्न्स का टाइम आ गया और मेरा सीए बोल रहा है ला परचेस सेल के बिल से रिटर्न भरना है जीएसटी का। मैं बोलता हूँ भाई कैसे दूँ, वो तो डिपार्टमेंट ले गए, तो भर दे तेरे हिसाब से। क्या आपका सीए, क्या आपका सीएमए, क्या आपका वो प्रैक्टिशनर भर सकता है जीएसटी रिटर्न बिना परचेस सेल के बिल के? आंसर इज नो, नहीं भर सकता। तो जब वो नहीं भर सकता तो क्या होगा, प्रोविजनल बेसिस पे हम कह सकते हैं तू वापस जाके लेके आ, उनको बोल हमको दोबारा चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल सकते हैं। किस कंडीशन पे? सबसे पहला अब एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे और साथ में सिक्योरिटी दोगे कि भाई ये जो मैं लेके जा रहा हूँ ये मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं वापस तुमको ऐसे का ऐसे ला के दूंगा, मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा इनके साथ में। दूसरा, अगर कोई टैक्स वैक्स बन रहा है, मुझे लग रहा है कि टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स भी मैं भर दूंगा। हो सकता है हिसाब किताब चल रहा हो, आगे लंबा टैक्स बनेगा, लेकिन जो जितना बन रहा है उतना भी भर दूंगा। ये दोनों चीज़ करने के बाद ही मैं प्रोविजनली मेरे डॉक्यूमेंट वापस उठा के ला सकता हूँ, या फिर अगर मेरे गुड्स भी हैं उठा के वापस ला सकता हूँ। कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया, मेरे गुड्स ले गए। अब वो गुड्स इस नेचर के हैं कि फ़िलहाल उस उसकी मार्केट में हाई डिमांड है, अगर मैंने वो गुड्स को अब नहीं बेचा तो वो गुड्स कभी नहीं बिक पाएंगे। मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है इसका टैक्स इतना बनता है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके साथ साथ में तो हमको एक बॉन्ड दे दे कि अगर इसे ज़्यादा भी हुआ बाद में इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद तो हमें तू भर देगा उसका, मुझे सिक्योरिटी दे दे और ले जा। तो उस केस में भी हम लोग रिटर्न या ले सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज में नो नोटिस इज इश्यूड। अब वो लोग हम उठा तो लिया, हम कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। तो भाई उस केस में मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको उनको वापस दे देना है, ऐसा नहीं लेके रख लिया और भूल गए, ठीक है वापस भी देना है। नेक्स्ट क्या है, कोई पेरिशेबल या हजार्डियस तरह के गुड्स हैं। भाई डिपार्टमेंट जोश जोश में ले तो गया, लेकिन वो जो ले गया ना वो अफीम था, या सपोज करो अफीम नहीं तो वो आरडीएक्स था, उठा के अपने ऑफिस में तो ले गए। अब सब डर भी रहे कि किसी दिन बाई चांस कांडी में लग गया माचिस का तो ऑफिस फट जाएगा। क्या बोला, हजार्डियस दिक्कत हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, हो सकता है पेरिशेबल हो सकता है वो कुछ भाजी पाले या कुछ हो, जहाँ पे 500 किलो भाजी हो, वो ऑफिस में ले भी गए तो सब भाजियाँ इतनी सड़ेगी ना, उसकी सड़ांस के बाद से मर जाएंगे ऑफिसर लोग, तो बोले यार ये गड़बड़ काम। या हो सकता है कंस्ट्रेंट ऑफ स्टोरेज या स्पेस हो, उनके पास जगह ही नहीं इतनी, ले तो गए जोश जोश में और रखे किधर बोलते। अच्छा अब ऐसा तो कर सकते नहीं है कि माल कहीं फेंक दे रोड पर रख दे, कहीं तो रखना पड़ेगा बिकॉज वापस मांग सकता है ये, वापस देना ही पड़ेगा इसको। तो उस केस में क्या होगा, हम वापस डिस्पोज बाय प्रॉपर ऑफिसर, वो जो ले आया था ना गलती से, वो बोलेगा भाई गलती हो गई, तेरी इंक्वायरी चल रही है, फिलहाल तू वापस रख ले, लेकिन देने के पहले उन गुड्स का इन्वेंट्री बना देगा वो कि भाई साहब ये गुड्स का हिसाब किताब हम रख रहे हैं, ये गुड्स अब तू रखना संभाल के हमारे लिए। एक सेकेंड, ओके अच्छा इसके बाद अपन बात करते हैं, एक तो बात थी प्रैक्टिकेबल, दूसरा है इट इज़ नॉन प्रैक्टिकेबल, उठाकर लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट एक चिट्ठी बनाएगा, उसको बोलेंगे ऑर्डर। किसको देगा वो ऑर्डर, ओनर को दे देगा या कस्टोडियन जो संभाल रहा है वॉचमैन जो, उसको दे देगा। उसमें क्या लिखा होगा कि इन गुड्स को तब तक इस गोडाउन से, इस ऑफिस से या किसी और को नहीं बेचा जाएगा जब तक ऑफिसर के परमिशन ना ले लिया जाए। हम गुड्स लेके नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास लेके जाने का जगह नहीं है, टाइम नहीं है, मूड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये गुड्स अब हमारे बिहाफ पे तुम रख रहे हो, तुम इसको एक भी गुड्स को कहीं बाहर लेके नहीं जाओगे, वरना तुम हमसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है ये समझा, सर्च सीजर या इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है। इंस्पेक्शन के लिए हम कभी भी उसकी ऑफिस में जा सकते हैं, उसके गुड्स जहाँ से जा रहे हैं वहाँ जाके पकड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जबकि हम लोग सर्च सीजर या हम लोग गुड्स को कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं जहाँ प्रैक्टिकेबल हो, और ना हो तो वहाँ पे ना लेते हुए भी वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं कि भाई ये गुड्स अब हमारे बिहाफ पे तुम्हारे पास पड़े रहेंगे। तो ये सब रियल वर्ल्ड में हो रहा है जीएसटी में, बीच बीच में कोविड आ रहा है तो पब्लिक को थोड़ी सहायता मिल रही है, वरना हो रहा है। अच्छा ये तो हुआ वो तीन चीज़,
कुछ चीज़ ऐसी है जो समरी में नहीं है, तो अपना फर्ज बनता है कि हम लोग इसको यहाँ से सीखें। ओके, हियर वी गो। पावर टू अरेस्ट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज तक हमने ये सुना है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है, आप अगर मर्डर करते हो, चोरी करते हो, दंगा करते हो, डाका डालते हो, तो पुलिस आपको आके अरेस्ट कर देती है। किसी न किसी की FIR होती है, वहाँ पे आप आके आपको अरेस्ट कर देती है। GST ऑफिसर्स के पास स्पेशल पावर है, ये भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। एंड अरेस्ट से आई लिटरली मीन अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट करके वही जेल वेल में डाल सकते हैं अच्छी से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कभी जब GST के बड़े ऑफिसर से मिलो, तो ये मत सोचना है तो खाली GST ऑफिसर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, एक ऑर्डर बनाकर तुमको जेल में भी डाल सकता है। ठीक है, बस शर्त है आप तो कोई बड़ा कांड किया हो, छोटे मोटे कांड के लिए ये नहीं करते, वरना जब इन पे भी केस होता है तो फिर ये भी जाते हैं जेल में। ठीक है, तो ये है बात है अरेस्ट के बारे में। अच्छा, अब जो यहाँ पे काम की बात है वो अपन कर लेते हैं। देखो, दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। ये दोनों का मतलब मैंने आपको लॉ में पढ़ा रखा है, बताओ क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। यस, जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर। उसमें छुड़वा नहीं सकते। इतना गंदा तरीके से एक्सप्लेन कोई करता है क्या? ओके, ध्यान से सुनो, दो होते हैं कॉग्निजेबल और होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्या होता है, ये सीरियस क्राइम्स होते हैं, ये उस लिस्ट में होते हैं जहाँ पे सीरियस क्राइम को रखा जाता है जिस लिस्ट के अंदर, जैसे मर्डर मर्डर करना, या आपके कंपनी एक्ट में सेक्शन 216 है, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। मतलब इस तरह के जुर्म है जिनको गवर्नमेंट या लॉ मेकर्स सीरियस जुर्म मानते हैं। सीरियस मानते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं जब सीरियस कुछ गलतियाँ की जाती हैं, तो हम लोग पुलिस ऑफिसर को ये नहीं बोलेंगे कि जा पहले वारंट लेके आप अरेस्ट कर, या सीरियस केसेस में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट करके उठा के ले जाती है। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, उठा के ले जाने के साथ साथ में आपको इजीली बेल नहीं मिलता, इन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बोला जाता है। नाउ माइंड इट, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें बेल नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बेल आपको जाके कोर्ट से लेना पड़ता है। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं विच आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस केस में बेल जो है वो आपको पुलिस ऑफिसर खुद दे सकता है, उसी थाने में जहाँ पे आप अरेस्ट हुए हो, वहाँ पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका बेल बॉन्ड का अमाउंट है, वो अमाउंट भर के आप ऑफिशियल तरीके से, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो ऑफिसर ही आपको बेल दे देगा। उसको हम कहते हैं पर्सनल बॉन्ड पे बेल लेना। ठीक है, बट कॉग्निजेबल में सिंस इट इज़ नॉट नॉन बेलेबल, पुलिस ऑफिसर के पास पावर ही नहीं है बेल देने का, कोर्ट में पेशी होगी, वहीं पे आपको बेल की अर्जी डालनी है और वहीं पे जाके बेल लेनी है। ये तो कितना बेसिक है बताइए। और ये पता है क्या, ये NC वही है, इफ़ यू नो। कई बार लोग कहते हैं कि FIR मत कर, जाके पुलिस में NC कर दे, कभी सुना हो किसी ने? तो कहते हैं ना, कम से कम जाके NC करके आ जा पुलिस में। तो वो जो NC करके आते हैं, देखो कांड जब करते हैं, कांड करते हैं, बड़ा कांड करते हैं, तो इट बिकम्स कॉग्निजेबल। लग रहा है तुम्हारे साथ में कांड हो सकता है या सिर्फ धमकियां आ रही है, तो धमकी इज़ नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट बिकम्स इट कम्स अंडर नॉन कॉग्निजेबल। तो वहाँ पे हम पुलिस में जाते हैं और बोलते हैं हमको एक रिटर्न कंप्लेन लिखवानी है जो कि नॉन कॉग्निजेबल होती है, तो आपको वो NC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म, वो होता है NC। कितना पता है आप लोगों को, ये सब हमको नहीं पता, बट ऐसा सब होता है। अच्छा, ये चीज़ आपको चीज़ और पता होनी चाहिए कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है, अच्छा एक बात तो याद रहे कि जो अरेस्ट होगा ये हमेशा कमिश्नर, जो आपके कमिश्नर बड़े लेवल का कमिश्नर है, वो पुलिस कमिश्नर नहीं, GST वाला कमिश्नर, वो कमिश्नर के ऑर्डर के थ्रू ही अरेस्ट हो सकता है। वो कमिश्नर चाहे तो किसी प्रॉपर ऑफिसर को भी बोल सकता है कि जाके तू अरेस्ट का काम कर ले, बट अरेस्ट उसके ऑर्डर के बिना अरेस्ट नहीं हो सकता है।
अच्छा एक चीज और ध्यान रहे यहाँ पे, इधर देखो, दैट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड ओनली वेयर द टैक्स इवेजन इज मोर देन 2 करोड़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये का टैक्स का चोरी किया तो आ गया अले अरेस्ट करने तेरे को, नहीं, टैक्स का चोरी, बिल का अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, टैक्स का चोरी 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको अरेस्ट के लिए आएंगे। हाउ एवर द मॉनिटरी लिमिट शुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ द ऑफेंसेस आर कमिटेड अगेन। आपने पिछली बार चोरी की 2.5 करोड़ रुपए की, आपको पकड़ा, आपके साथ बहुत बहुत मस्ती किया, बहुत आपके साथ खेला खेलम खाली किया, लास्ट में आपका काम हो के पेनल्टी वेल्टी भर के आप छूट गए, लेकिन आपके रगों में तो वही बेईमानी है। 6 महीने बाद फिर एक फ्रॉड किया, फिर टैक्स का चोरी किया 1 लाख रुपये का, अब 1 लाख का चोरी किया क्योंकि क्यों, आपको क्या लगा कि 2 करोड़ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब आप जब जेल यात्रा करके आए तो आप सीख गए इतना, जब आप जेल में बैठे थे तो वहाँ पे GST की बुक पड़ी थी बहुत सारी, आपने पढ़ लिया पूरा GST लॉ, अब समझ गए कि 2 करोड़ से नीचे रहा ना तो अरेस्ट नहीं होता, सिर्फ वो चिट्ठी विट्टी आती है, पैकेटिंग क्या दिक्कत है, आपने कांड किया फिर से 1 लाख रुपये का, तो लॉ मेकर्स ने पहले लिख दिया पहली बार कांड कर रहा है तो 2 करोड़ तक की छूट है अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है, नॉर्मल केस में अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोबारा कांड कर रहा है तो कांड 100 रुपये का भी हुआ ना अरेस्ट कर लेंगे तेरे को, मतलब वो जेल से पूरा शुद्ध होके ही बाहर आएगा मतलब। अच्छा, सेफ गार्ड्स फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिख रही है GST के अंदर, बट एक्चुअली में ये सब चीज़ें CRPC, CPC, IPC से निकल के आती हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे भी किसी बंदे के पास में भी ये पावर है, मतलब सेफ गार्ड्स हैं, उनके पास राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? पहला राइट तो ये है कि जैसे ही आपको किसी कॉन्स्टेबल ऑफिस के अंदर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। सर नहीं करे तो क्या? नहीं करे तो क्या, फिर पुलिस पे दंडा पड़ता है, कई बार मजिस्ट्रेट भड़क जाते हैं, चिल्ला उठते हैं और कई बार सज़ा भी हो सकती है, हालांकि प्रैक्टिकेबल नहीं सज़ा होकर इतना होना, बिकॉज कोर्ट आस्क रीज़न कि क्यों लेट हो गया 2-4-5-6 घंटा, एंड रीज़न सेटिस्फाइड लगता है तो छोड़ देते हैं, बट नहीं लगता है तो कई बार सस्पेंड तक कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को जिसने उसको अरेस्ट किया था, कि भाई 24 आवर्स में इसको क्यों प्रोड्यूस नहीं किया गया कोर्ट के अंदर। ये ध्यान रहे 24 आवर्स के अंदर जो टाइम पुलिस स्टेशन से जहाँ पे से अरेस्ट होके रखा है उसको वहाँ से लेके मजिस्ट्रेट के कोर्ट जाने तक का जो टाइम है उस टाइम को 24 आवर्स में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। और ये जो किया है ना, कई लोग सोचते हैं इसमें क्या सेफ गार्ड, इसमें बहुत बड़ा सेफ गार्ड है, अरेस्ट होते ही 24 आवर्स में आपको जब पेशी कर जाते हैं कोर्ट में तो आपको अधिकार मिल जाता है अपनी बातें रखने का, कि प्लीज़ आप चलाइए मुझ पर केस, पर मुझे बाहर तो आने दीजिए, मैं कोई बहुत बड़ा चोरों चक्का नहीं हूँ, आप बातें रख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं 24 घंटे, आपके पास राइट है कि आपको 24 घंटे में बताया जाए कि आपको किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है, राइटिंग में बताया जाए, जब अरेस्ट करने आएंगे तब तो आपको बताते हैं अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग में लिख के देना होता है क्योंकि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जो भी अरेस्ट होता है, देखो मैंने पहले बताया वो किसके तहत होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको हमारी भाषा में हम लोग प्यार से बोलते हैं CRPC, ठीक है, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब भी बता चुका हूँ। अच्छा, कांग्रेस नॉन कॉन्ग्रेसिबल का इस एक्ट के अंदर क्या मतलब है, यहाँ देखो, द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू टैक्सेबल एंड और सर्विसेज वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और द अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड्स 5 करोड़, इट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये ध्यान रहे हमारे एक्ट में, देखो अरेस्ट तो 2 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, हो सकता है कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या बोला है, हम कॉग्निजेबल कब मानेंगे चीज़ों को, जब आपका रिफंड जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया, जो आपने IT से एक्स्ट्रा ले लिया या आपने चेक्स का चोरी कर लिया वो 5 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है। अदर ऑफेंसेस जितने भी एक्ट में वो सबके सब क्या, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, एंड ऑल अरेस्टेड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल बाय डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। ये इतना कुछ खास काम का नहीं, एक बार रीड कर लेना। गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, ये भी कभी आपको पूछ नहीं सकते, ये सब CRPC CPC में से निकल के आता है, इतना रिलेवेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अच्छा,
पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया था कि हम लोग सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पावर होता है ऑफिसर्स के पास में, वो समन्स भेज सकते हैं। क्या होता है समन्स? नॉट ओनली एविडेंस, किसी भी चीज़ के लिए। देखो जनरली क्या होता है ना, जहाँ तक लीव एवरीथिंग दिस अपार्ट, जनरल प्रोसेस क्या होता है कि अगर कुछ भी आपसे चाहिए होता है, छोटी मोटी इंक्वायरीज चाहिए होती हैं, कुछ बिल्स चाहिए होते हैं, रिटर्न्स आपने नहीं भरे होते हैं, वो चाहिए होता है, तो डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेजता है ना। कभी भी आपको ऊपर समझ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इट इज़ शो कॉज नोटिस। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एक प्यार मोहब्बत से छोटा मोटा डिपार्टमेंट के हिसाब से समझो कि वो उनका व्हाट्सएप है वो, ठीक है। उनका व्हाट्सएप क्या है? शो कॉज नोटिस, ठीक है। अब जब आप शो कॉज नोटिस पे रिप्लाई नहीं करते, या आप ढंग से कोऑपरेट नहीं करते, या आप चीज़ें दे ही नहीं रहे हो, तो सिर्फ शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप पे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट जब उनको लगता है कि ये काम नहीं बन रहा, तो फिर उनके पास आता है पावर कि हम इशू करते हैं समन्स। समन्स एक ऑफिशियल चिट्ठी होती है वहाँ से, और जहाँ पे वो कहते हैं हम आपको ये समन्स भेज रहे हैं, अगर आप इसके बाद हमें तो तकलीफ़ हो सकती है। कई बार आप जब नॉर्मल कोर्ट्स में भी देखते हैं, तो जब कोर्ट्स बुलाते हैं केस की हियरिंग के लिए और वो नहीं आते हैं, तो कोर्ट एक बार और मौका देता है, फिर भी नहीं आते तो कोर्ट समन्स इशू कर देते हैं, और फिर वो समन्स के भी वैलिडिटी होती है कभी एक कभी दो, कोर्ट के रूल्स के हिसाब से, केस टू केस के हिसाब से। कई बार जब दो कोर्ट दो हियरिंग्स पे दो समन्स के बाद अगर मुजरिम जो मुजरिम लग रहा है वो नहीं पहुंचता है, तो फिर कोर्ट उस बंदे को घोषित कर देता है, वो क्या बोलते हैं आपके हिंदी वर्ड में, कि वो भाग गया है। अगर वो भाग गया है घोषित कर देता है कोर्ट, तो फिर चप्पे चप्पे में पूरे देश के सब पुलिस चौकियों को तैनात कर दिया जाता है, ये जहाँ मिले सीधा पकड़ के अरेस्ट कर देना, ऐसे बात भी मत करना, सीधा हमारे पास लेके आना। तो ये सारी बातें होती है, समन्स में बहुत पावर होते हैं, ठीक है। तो ये ही है बस समन्स। देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स, समन्स आपके पास आया आपने अपीयर नहीं किया तो क्या होगा? तो देखो आप पे सिर्फ वो चढ़ाई जाएंगी धाराएँ, बहुत सारी वो धाराएँ मैं एक्सप्लेन करने लगा तो मेरे को चार दिन में कम पड़ेंगे, बट आप समझ लो। प्रोसीडिंग बिफोर द ऑफिशियल हु हैज़ इश्यूड समन्स इज डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मैंने कहा ना बहुत बड़ा स्थान है समन्स का, एज गुड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू हो गई आपके खिलाफ अगर समन्स का आप अप्लाई नहीं करे तो। उसके बाद नहीं किया अपीयर तो क्या होगा? ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। उसके बाद में आप भाग गए, या आप अवॉइड कर रहे हो, या समन्स रिसीव नहीं कर रहे हो, तो 172 लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। कुछ प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, 175 लगा दिया जाएगा, और कुछ गलत प्रोड्यूस कर रहे हो, 193 लगा दिया जाएगा। आप पे धाराएं धाराएं ठोकते जाएंगे, हर धारा पे मस्त मस्त पेनल्टी और मस्त मस्त जेल यात्रा है, ठीक है। तो जो समन्स कभी भी आए ना आपके क्लाइंट को, कई क्लाइंट हमारे भी ऐसे होते हैं जैसे अवॉइड करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं क्या बिगाड़ लेगा वो, बहुत तुमको पूरा बिगाड़ देगा वो, ठीक है। तो बाकी जैसे प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल इशूइंग समन्स, क्या प्रिकॉशन इशू होने चाहिए? अ समन्स शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस वेयर इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। जब कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं, ऑफिसर का मन हो रहा है मेरे पास तो पावर है मेरे को यूज़ करना है। कभी देखा है कि शक्तिमान के पास सुपरमैन के पास पावर है तो बेवजह उड़े बस करें उड़ रहे? नहीं, किसी काम के चक्कर में उड़ते थे वो, ताकि उनकी पावर एग्जिस्ट करती थी हमेशा के लिए। ओके उसके बाद में नॉर्मली समन्स शुड नॉट बी इशूड रिपीटेडली एज फार एज प्रैक्टिकेबल द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज ऑफ विटनेस शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेज। सिंपल सी कहानी है, ऐसा नहीं मेरे पास पावर है तो मैं एक ही चीज़ के लिए बार बार बुला रहा हूँ समन्स भेज भेज के, बोला ये क्या खेल रहा है क्या? देखो व्हाट्सअप बार बार कर सकते हैं, यानी कि मुझे शो कॉज नोटिस थे या उस तरह के सिमिलर नोटिस थे वो आप बार बार भेजो, अरे हमको ये भी दे, हमको वो भी दे, हमको, ठीक है। समन्स में हमेशा फंक्शन ये होता है एज फास्ट एज काम ख़त्म करो। जब नॉर्मली भी कोई सीआरपीसी का कोई केसेस चलता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, और जब पुलिस वाले आपको बुलाते हैं रिकॉर्ड करो स्टेटमेंट आके अपना, तो आपको समन्स भेजते हैं पुलिस वाले भी कि आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। खासकर कब होता है?
जब पुलिस वाले को चार्जशीट सबमिट करनी होती है उसके पहले उनको सब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं, तो दे वांट की चीज़ें ऑफिशियल हो उस चीज़ पे। तो ऑलरेडी वहाँ पर भी बताया जाता है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसको एक ही बार बुलाओ और सब लिख लो, ऐसा नहीं बार बार आज मम्मी का नाम पूछो कल डैडी का नाम पूछो, ऐसा नहीं करने का। रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ अपीयरेंस गिवन इन दिस समन्स, ठीक है वो तो टाइम हम रिस्पेक्ट करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। ये भी ध्यान रहे प्रिफरेबली, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिफरेबली स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हाउ एवर एन एक्सेप्शन शुड बी मेड रिगार्डिंग टाइम इन प्लेस ऑफ रिकॉर्ड स्टेटमेंट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट इन द केस, ठीक है। एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, किसी भी प्रोसीडिंग के तहत कभी भी ऑफिसर का मन हो सकता है आपके किसी भी ऑफिस प्रीमाइसेस पे पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब जस्ट जो बच्चे ने यहाँ तक सुन लिया बता दूँ, इसके ऊपर MCQ आ चुका है आपके July 21 के अटेम्प्ट में, 2 मार्क का July 21। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। यहाँ पे देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर कैन हैव एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सच इंक्वायरी। ड्यूरिंग सच एक्सेस द ऑफिसर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स of account, document, computers, computer programs, computer software and any such things as may be required. आगे देखो, पर्सन चीज इंचार्ज की जिम्मेदारी है जो मांगे चुपचाप दे देने का। Similarly, the person in charge of business premises are also duty bound to furnish such document to the audit party reputed by the proper. ठीक है, उनको अगर किसी ने CAVA को रखा है डिपार्टमेंट ने ऑडिट करवाने के लिए तो उनको भी सब कुछ देना पड़ेगा, इंचार्ज की जिम्मेदारी है। The following records are covered by this permission and are to be produced if called for. ये ट्रायल बैलेंस हो गया, एनुअल फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट जो मांगे सब दे देने का। पावर अंडर सेक्शन 71 में भी कॉन्ट्रास्टेड विद पावर्स ऑफ 67 टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस, इट मे बी नोटेड दैट सर्कमस्टेंसेस व्हेन ईच ऑफ दिस सेक्शंस आर applicable are not similar. Section 71 is more general in its scope and extent, whereas 67 is applicable in specific instance and applies to specific reasons. 67 वो था जो मैं नीचे पढ़ा था अभी अभी, सर्च इंजन वाला सेक्शन, और ये है जो अभी के सेक्शन पूरे पढ़े। ये देखो, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको CJ एक्ट में बता दिया है कि भाई इन लोगों को भी GST डिपार्टमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा फंडा है, GST के ऑफिसर्स को पावर तो दे दिया, जाओ अरेस्ट करो। क्या लोग IPS ऑफिसर्स हैं? IAS ऑफिसर हो सकते हैं, IPS ऑफिसर है क्या? क्या ये लोग ट्रेंड हैं? क्या इनके पास गन है? हो सकते हैं जो टैक्स की चोरी किया हो वो दाऊद हो, आके बैठा हो मुंबई में, अब मालूम पड़े क्या ऑफिसर को कि ये वो दाऊद है टैक्स चोरी करके बैठा है। तो ऑफिसर पहुँच गया, ला तेरा 4 करोड़ का टैक्स बाकी दे, तो बोले घोड़ा निकाल के ये ले, मार दिया गोली, ले टैक्स ले जाए। अरे समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? तो इसके लिए इनको बोला है साफ साफ कि इन लोगों को, ये कुछ लोग हैं, इनको हमेशा हमारे GST ऑफिसर्स को मदद करनी पड़ेगी। कौन कौन है? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, कस्टम अथॉरिटी वाले हो, कोई गवर्नमेंट वाले, दूसरे कलेक्शन वाले कोई और हो, कोई विलेज के ऑफिसर हो, या कोई भी क्लास के ऑफिसर जो गवर्नमेंट नोटिफाई करें, इन सब को हमारे बेचारे नन्हे मुन्ने GST ऑफिसर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। That's it for the chapter. ठीक है, so chapter was मज़ेदार। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना कभी खुद से पढ़ते हैं, ना पढ़ने का मन करता है, ना पढ़ने का सोचते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर अलविदा, सेफ रहिए और सेफ रहने भी दीजिए सब लोगों को। बाय बाय।